मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मिलन बांसतोला। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध, इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में नहीं सुना हो। भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे। मत्स्य, वरा, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध यानी कि विष्णु के 9वें अवतार, और 10वें अवतार है कल्कि, यानी अभी आया नहीं है, आना बाकी है। वैसे तो भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में जितना ही बात करें उतना ही कम है, लेकिन आज हम इस वीडियो में भगवान बुद्ध के जीवन की ऐसे तीन कहानी के बारे में बात करेंगे जिससे हमें बहुत बड़ी सीख और प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं पहले कहानी की। ये कहानी एक हाथी की है। ये हाथी जो राजा का सबसे शक्तिशाली और कुशल हाथी था, हर युद्ध को जीता के लाता था अपने सम्राट को, एक दिन कीचड़ की दलदल में फंस गया। मिट्टी के अंदर उसका पाँव चला गया और बाहर ही नहीं आ पा रहा था। सबने बहुत जोर लगाया, प्रयास की, लेकिन बाहर नहीं आ सका। पानी पीने गया था हाथी और अंदर फंस गया। उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया। गौतम बुद्ध ने आसपास देखा। उन्होंने बोला कि युद्ध की नगाड़ों को लेके आओ और बजाओ। युद्ध के नगाड़े तेज बजाने लगे। सब हैरान थे कि ये क्या बात हो गई, ये कैसा उत्तर है। हाथी अचानक हिला, बहुत तेज उसने अपनी गर्दन हिलाई, शोर मचाया, सूंड ऊपर उठाया, एक पाँव निकाला, दूसरा पाँव निकाला, हाथी बाहर निकल आया। लोग हैरान हो गए। उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, इसकी शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, इसको थोड़ा बस आत्मविश्वास और प्रेरणा चाहिए था। युद्ध का आत्मविश्वास और प्रेरणादायक वो ढोल नगाड़े सुनते ही इसके अंदर वो ताकत वापस आ गई। अगर आपको भी कोई धक्का लगाने वाला, प्रेरित करने वाला कोई ऐसा समुदाय आसपास मिल जाए जो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा देकर बढ़ा सके, आप में भी वो शारीरिक कमी नहीं है, ऐसे लोगों को अपने आसपास घेरा कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक बहुत अमीर व्यापारी था। एक दिन वो अपने घर शाम को जल्दी ही लौट आ गया और देखा कि उनकी पत्नी भगवान बुद्ध को खाना खिला रही थी। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और बोला, बेशरम साधु, ताकतवर हो, शरीर से हट्टे कट्टे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अपने साम्राज्य छोड़ के आज भिक्षा मांग रहे हो? किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। बुद्ध मुस्कुराए और आगे चलने लगे। आदमी को और गुस्सा आया। उसको आग के अंदर घी डालने का काम किया भगवान बुद्ध ने और उनकी मुस्कुराहट ने। बुद्ध चलने लगे। आदमी फिर आया और भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। भगवान ने थूक को साफ किया, मुस्कुराए और आगे चलने लगे। वो आदमी इतना परेशान हो गया, सोचा कि गाली दिया तो कुछ नहीं, थूका तो, मुस्कुराए और चल दिए। वो सारी रात सो नहीं पाया। उनकी पत्नी ने कहा कि ये सबसे बड़े संत है, आपने बहुत गलत कर दिया। दूसरे दिन वो आदमी माफ़ी मांगने भगवान बुद्ध के पास गया। सभा के अंदर सबके सामने उसने माफ़ी मांगी। बुद्ध बोले, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। आसपास के लोग हैरान रह गए कि भगवान इतने क्षमाशील है, ये क्यों माफ़ नहीं दे रहे। बुद्ध ने पूछा कि तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। आदमी बोला, कल मैंने आप पे थूक दिया। भगवान ने कहा, वो कल था और मैं कल को याद नहीं करता। मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है, इसलिए मुझे कल याद ही नहीं। जब मुझे याद ही नहीं कि आपने क्या गलती की, तो मैं आपको कैसे माफ़ कर सकता हूँ। माफ़ तो मैं तब करूँगा जब मुझे पता लगे कि तुमने कोई गलती की है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला हो, ना कि क्रोध करने वाला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। एक दिन एक महिला भगवान बुद्ध के पास गई। वो महिला का रंग काला यानी सांवला था और वो उसने जाके भगवान बुद्ध को बोली, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं भद्दी हूँ, मैं काली हूँ, मैं दिखने में अच्छी नहीं दिखती, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान।
भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसी ऐसे आदमी को लेके आओ जो बहुत ज़्यादा खुश हो। वो किसान के पास गई और उसने किसान को सारी बातें सुनाई। किसान बोला, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लड़की बोली, मालिक, आपके पास जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे दुखी हैं? किसान बोला, लेकिन ये सब कुछ मैं जमींदार को दे देता हूँ। जमींदार को किसानी भी नहीं करनी पड़ती और वो कमा लेता है, वो हमसे ज़्यादा कमाता है, हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद लड़की जमींदार के पास गई और उन्होंने जमींदार को सारी कहानी सुनाई। जमींदार बोला, मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे दुख और परेशानियाँ है चोरों की, लुटेरों की, रात को ढंग से सो नहीं पाता। आप एक काम करो, राजा के मंत्री के पास जाओ, वो सबसे ज़्यादा सुखी है, वो हमको दंड देते हैं, हमसे कर लेते हैं, हमसे सब वसूलते हैं और आराम से राजपाट का सुख भोग रहे हैं। लड़की मंत्री के पास जाकर मंत्री को सारी अपनी बातें बताई। मंत्री बोले, मुझ पे जनता का गुस्सा फूटता है, युद्ध का परिणाम झेलना पड़ता है, जो राजा बोलते हो वो सब कुछ करना पड़ता है, छुट्टी भी नहीं मिलती, 365 दिन काम करना पड़ता है। मैं राजा के साथ जुड़ा तो हूँ, लेकिन सारी तकलीफें मुझे ही झेलना पड़ता है। लड़की को समझ में आया कि राजा सबसे ज़्यादा सुखी है। उसने राजा के पास जाकर अपनी सारी बातें बताई। राजा बोले, मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूँ, ना मेरे मन में शांति है, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कहीं अकेले में भी नहीं जा सकता, मेरे पीछे इतने लोगों को जाना पड़ता है, कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले बाजार जाऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ, हर समय चिंता में रहता हूँ। लड़की भगवान बुद्ध के पास वापस आई और सारी कहानी सुनाई। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही एक सीख है कि आपको सुख कहाँ से मिलेगा, खुशी पाने के लिए खुद प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो मनुष्य हमेशा शिकायत करता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये आपके भीतर है। तो ये थी भगवान बुद्ध की जीवन की 3 कहानियाँ जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। आपको इन 3 कहानियों में से कौन सा कहानी अच्छा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।